अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मध्य प्रदेश और क्षेत्र की दृष्टि से खासतौर से टूरिज्म पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नीति आयोग ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। मेरा अपना क्षेत्र बीहड़ों का क्षेत्र है, चंबल के किनारे, चंबल क्वारी आसन के, और उसके बारे में सब जगह एक अलग तरीके की चर्चा होती है। लेकिन वो क्षेत्र महाभारत कालीन राजा भोज की राजधानी कुंतलपुर रहा, जहाँ कुंती का निवास स्थान होता था। वहाँ हरसिद्धि का मंदिर है। 8वीं सदी 10वीं सदी में मितावली, पड़ावली, सिहोनिया में विभिन्न प्रकार के हमारे मंदिर और भवन हैं। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग उनको संरक्षित करने का काम नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, इन सारे स्थानों को टूरिज्म के मेन सर्किट से जोड़ने का काम ककन मठ में खजुराहो के ही पैटर्न पर पूरा बना हुआ है। लेकिन वहाँ आवागमन की व्यवस्था, जिसे मैंने सेंट्रल रोड फंड के माध्यम से रोड बनाने का निवेदन किया है, लेकिन ये जब तक सेंट्रल सर्किट से नहीं जुड़ेगा तब तक वहाँ बाहर का टूरिस्ट नहीं आएगा। माननीय, मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, जिस लोकसभा के सदन में हम बैठे हैं, यह मितावली में सर लुटियन जब उसे देखने गए तो पूरा लोकसभा का डिजाइन उसी मंदिर के, योगिनी मंदिर के अनुसार किया। और दूसरी खासियत, यहाँ जो पत्थर उपयोग में लाया गया वो भी मुरैना ग्वालियर का ही सैंडस्टोन है जिससे इसका उपयोग हुआ। मेरा आपसे और आदरणीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मितावली, पड़ावली, सिहोनिया, ककनमठ और साथ ही पहाड़गढ़ मुरैना जिले के अंदर अगर भीम बेट का वर्ल्ड हेरिटेज है तो महाभारत कालीन गुफाएं और उन पर चित्रकारी पहाड़गढ़ के पास लिखी छाछ में है, इसको मेन टूरिज्म सर्किट से जोड़ करके वहां पर लोगों को रोजगार और बाकी उस स्थान की महत्ता को बढ़ाने का काम तेज गति से हो, यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ।